नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने बड़ा बयान दिया है। पहली बार मीडिया से रूबरू होते हुए पचौरी ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की मुझे जब जवाबदारी दी थी, तब विधानसभा चुनाव में 2008 में हमारे सीटें 38 से बढ़कर 71 हुई और वोट परसेंटेज भी बढ़ा। वहीं लोकसभा के 2009 के चुनाव में कांग्रेस की 4 सीट से बढ़कर 12 सीटें हुईं। लोकल बॉडीज के चुनाव में जो हमारी सीट है, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष की, वह भी बढ़ी। पचौरी ने कहा कि पार्टी ने जो भरोसा करके उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है ताकि कांग्रेस का ग्राफ बढ़े, जो बढ़ा भी। यद्यपि 27/11 को चुनाव था, 26/11 मुंबई ब्लास्ट हुआ, एक पोलराइजेशन हुआ, और दूसरा हमारे कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से जुड़े हुए लोग, इंडिपेंडेंट ऑफिशियल कैंडिडेट सामने खड़े हुए, जिससे 42 सीटें प्रभावित। पचौरी ने कहा कि जब मैं बीजेपी में शामिल हो रहा था, तब किसी से संपर्क नहीं किया और आज भी मेरे पास कॉल आ रहे हैं। पचौरी ने कहा कि आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर एक साधारण कार्यकर्ता ही अपने आप को मान रहा हूं, और मैंने बगैर किसी इच्छा के, किसी लोभ लालच के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। कांग्रेस में 2011 के बाद मुझे कोई पद नहीं मिला और ना ही मैंने पद की चाहत की। सुरेश पचौरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस देश को एक ऐसा ओजस्वी, यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री मिला है जो हमेशा देश में निर्णय लेता है, और केवल निर्णय नहीं लेता और निर्णय पर व पॉलिसी पर अमल हो यह सुनिश्चित करता है। उनके नेतृत्व में, उनकी गारंटी में देश भी सुरक्षित है, गरीबों का विकास भी सुरक्षित है, महिलाओं की सुरक्षा भी सुरक्षित है, नौजवानों का कल्याण भी सुरक्षित है। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की मुझे जवाबदारी जब सौंपी गई, तो विधानसभा चुनाव में 2008 में हमारे जो सीटें हैं 38 से 71 वोट परसेंटेज भी बढ़ा। लोकसभा में 2009 के चुनाव में हमारी जो कांग्रेस की सीटें हैं 4 से 12 हुई। लोकल बॉडीज़ की चुनाव में जो हमारी सीटें हैं, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष और मेयर में हमारी बढ़ी। कहने का और बताने का आशय ये है कि पार्टी ने भरोसा करके जो जवाबदारी और जिम्मेदारी सौंपी, हमारी कोशिश रही कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़े, जो बढ़ा। यद्यपि 27/11 को चुनाव था, 26/11 मुंबई ब्लास्ट हुआ, एक पोलराइजेशन हुआ। दूसरा, हमारे कुछ अति महत्वाकांक्षी नेताओं से जुड़े हुए लोग, इंडिपेंडेंट ऑफिशियल कैंडिडेट के सामने खड़े हुए, जिससे 42 सीट प्रभावित हुई और 5000 से नीचे हम लोग उन 42 सीटों को खो बैठे। अब बात आती है, देखिए मैं तो इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।